वेलकम टू माजुरे ग्रेविटी, माई सेल्फ गिरधर कुमार। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। बिफोर स्टार्टिंग द मेन कोर्स, वी नीड टू नो अबाउट वाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फूड टेक्नोलॉजी क्या होता है, तभी तो हम फूड टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। फूड टेक्नोलॉजी जानने से पहले हमें फूड साइंस का जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फूड साइंस का एप्लीकेशन है हमारा फूड टेक्नोलॉजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट व्हाट इज़ फूड साइंस जस्ट प्रायर टू द फूड टेक्नोलॉजी। फूड साइंस कुछ साइंस और इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन है, जो हमें किसी भी पर्टिकुलर फूड का फिजिकल, केमिकल और बायोकेमिकल नेचर के बारे में बताता है। फिजिकल नेचर का कहने का मतलब हुआ कि किसी भी फूड का टेक्स्चर कैसा होगा, मे बी हार्ड मे बी सॉफ्ट। केमिकल नेचर का कहने का मतलब हुआ कि उसके न्यूट्रिशनल कंटेंट के बारे में, जैसे कोई भी फूड का वो न्यूट्रिशनल कंटेंट के बारे में डील करता है, जैसे कौन सा फूड कार्बोहाइड्रेट रिच है, कौन सा प्रोटीन रिच है एक्सेट्रा। और बायोकेमिकल नेचर में हम जानते हैं कि कौन से फूड का डिटोरिएशन रेट क्या होगा, कितना जल्दी कोई फूड डिटोरिएट करेगा और उसका सेल्फ लाइफ कितना होगा। सिंपली फूड साइंस से हम बस इतना समझते हैं फूड का नेचर, जो हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और एक्शन परफॉर्म करके मिले हैं किसी भी पर्टिकुलर फूड के। अब बात करते हैं हम फूड टेक्नोलॉजी की। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया है, फूड साइंस का एक एप्लीकेशन है हमारा फूड टेक्नोलॉजी, जो फूड साइंस से इंफॉर्मेशन लेते हैं। इंफॉर्मेशन इन सेंस कि हमें ये तो पता लग जाएगा कि कौन से फूड का नेचर क्या है। नेचर में हमें पता चल रहा है फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल, तो हमें उसका डिटोरिएशन रेट, हमें उस किसी भी फूड का न्यूट्रिशनल कंटेंट के बारे में पता चल रहा है, हमें उसका टेक्सचर पता चल रहा है। तो इससे हम उसके फर्दर प्रोसेसिंग में, पैकेजिंग में, प्रिजर्वेशन में, स्टोरेज में, ये सब में जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, उस टेक्नोलॉजी को हम फूड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब बात करते हैं फूड इंजीनियरिंग की। तो फूड इंजीनियरिंग उसे बोलते हैं जो किसी भी फूड का मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइनिंग और प्रोसेसिंग में हेल्प करे। प्रोसेसिंग कहने का मतलब हुआ कि जो रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे, बाकी बहुत सारे यूनिट ऑपरेशंस की यूज़ से। यूनिट ऑपरेशंस कहने का मतलब हुआ कि बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसको कॉमन हम प्रोसेस में डिवाइड कर देते हैं, जैसे ड्राइंग, साइज रिडक्शन, सॉर्टिंग रेटिंग, ब्लांचिंग, क्लीनिंग, जो इतने सारे यूनिट ऑपरेशन के हेल्प से लास्टली हमारा जो मैन्युफैक्चर हुआ, हमारा जो प्रोसेसिंग हुआ फूड का, उस टर्म को हम फूड इंजीनियरिंग कहते हैं। तो इन शॉर्ट आज हमने तीन चीज़ें जाना। जो हमारा पहला था फूड साइंस, वो हमें बताता है किसी भी फूड का केमिकल, फिजिकल और बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, जिससे हमें उसे पता चलता है कि वो कितने दिन में डिग्रेड होगा, उसकी न्यूट्रिशनल कंटेंट क्या है। फिर हम इसी प्रॉपर्टीज़ के यूज़ से उसके फर्दर प्रोसेसिंग, उसके पैकेजिंग का यूज़ करते हैं, पैकेजिंग करते हैं किसी भी फूड मटेरियल का, तो उसको हम फूड टेक्नोलॉजी के अंदर कैटेगराइज किए। और फिर इसी प्रोसेसिंग का यूज़ करके हमने जितना यूनिट ऑपरेशन अप्लाई किया था किसी भी फूड मटेरियल पे, उस टर्म को हम फूड इंजीनियरिंग से जाना। सो डैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ व्हाट इज़ फूड एंड व्हाट आर देयर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। If you like the video, please share and subscribe the channel Mazure Gravity.